पीने की पानी की समस्या को कई वर्षों के बाद किया गया दूर। तस्वीर भिवंडी के घूंघट नगर क्षेत्र की है, जहां प्रदादे के यहां के स्थानिकों को पीने के पानी की किल्लतों से पिछले कई वर्षों से जूझना पड़ रहा था। ऐसे में आपको बता दें कि यहां के स्थानिक जो पूर्व नगर सेवक थे, तला मोमिन, याकूब शेख और लव्वा शेख, इन सभी के अथक प्रयास से आज कई वर्षों के बाद घूंघट नगर KGN चौक के आसपास के रहवासियों को पीने के पानी की समस्याओं से दूर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार यहां पर एक नया बूस्टर पंप लगाया गया, जिसके कारण पानी के प्रेशर को बढ़ाया गया और पानी जो है आसपास के क्षेत्र में जहां पानी नहीं पहुंचता था वहां तक के पहुंचाने का काम तला मोमिन, याकूब शेख और लव्वा शेख द्वारा किया गया। स्थानिकों ने इन सभी का आभार प्रकट किया और कहा कि हमारे पीने के पानी की समस्या जो पिछले कई वर्षों से थी, आज उस पानी की समस्या को ख़त्म करने का काम जो आज यहाँ किया गया उसका आभार प्रकट किया और क्या कहा, आइए सुनते हैं। हिसाब तकलीफ थी पानी की, काफी साल से तकलीफ थी, यानी काफी टाइम से मासा। अभी क्या मतलब, अभी पानी आ रहा या नहीं है? अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा, आज से नहीं स्टार्ट है, आज से आएगा पानी। इंशाल्लाह आज से अगर आ गए तो। मतलब आज से क्यों आ रहे हैं? ये काम करवाए तो आ रहे ना। हाँ, काम करवाए ये तला भाई है अपने, और ये क्या बोलते है जो भी है, याकूब भाई है और जो भी है, हाँ काम करवाए हैं। अभी पानी की तकलीफ दूर हुई है? हाँ इंशाल्लाह दूर हो जाएगी ना, पानी आते रहेगा। परेशानी थी लेकिन अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतना, मतलब बहुत हम लोग परेशान हुए, याकूब भाई के ऑफिस तक गए, वो गए लेकिन उन्होंने भी आके बहुत सी कोशिश की है लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी बहुत आराम हो गया। गटर की भी तकलीफ थी वो भी आराम हो गया, पानी की तकलीफ थी, अब अल्लाह का एहसान है कि चलो पानी का भी हो गया धीरे धीरे। हाँ बहुत लाख लाख शुक्र है। पानी की ज़्यादा थी, हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, अभी तो अल्लाह का शुक्र है पानी भी आ गया। अब तलहा भाई, याकूब भाई के जरिए हम लोग को पानी भी मिल गया, अब हम लोग की मुश्किल तो आसान हो गई है। बहुत तकलीफ उठाए, बहुत पानी तो आ गया लेकिन अभी रात के बज कितने रहे? 3:30 बज रहे हैं, 3 बजे का टाइम है नल का, पूरी रात जागते हम लोग पानी के चक्कर में। पानी का जो टाइमिंग का भी फिर बदल चाहते हो कि नहीं चाहते? पानी का मतलब बदल जाएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी बदलेगा तो नहीं, वो टाइमिंग यही है 3 बजे की। रात में 3 बजे? हाँ। कितना घंटा पानी आता है फिर भी यहाँ? तो फिलहाल हम लोग इधर तो 5 मिनट से, 5 मिनट बहुत मुश्किल से पानी आया है, न तो आया नहीं है। अभी तो सुन रहे 2 घंटा आएगा, 2 घंटा पानी। हाँ, लालचंद गुप्ता नाम है, और यहाँ पानी का बहुत तकलीफ था कई सालों से जो है, वो अभी तो लव्वा भाई, याकूब भाई और यूसुफ भाई ने काम कराया है, या और तला भाई ने काम कराया है अपने नगर सेवक जी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पानी की तकलीफ दूर हो गई? पानी की तकलीफ दूर हो गई है भाई, रात में पहले पानी नहीं आता, अभी तो पानी आना चालू हुआ है। इसके अलावा भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर पिछले कई सालों से लोगों को पानी की तकलीफ थी, यहाँ के स्थानिकों का मानना है आज उस तकलीफों से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों ने आपका आभार प्रकट किया है, जानकारी देंगे ये तकलीफ क्यों थी और आज यहाँ पर जो काम किया गया उसके बारे में? देखिए यहाँ पे जो पानी का जो फोर्स था, फोर्स बहुत कम था, तो कॉरपोरेशन में एक एप्लीकेशन करके यहाँ पे एक बूस्टर पंप बैठाया गया, उस बूस्टर की वजह से वो फोर्स बढ़ गया और अल्हम्दुलिल्लाह जिधर तक पानी नहीं जा रहा था वहाँ तक पानी जाने लगा। और जाए यहाँ पर पिछले कई सालों से तकलीफ था और मुझे लगता है कि 5 साल आपका टर्म भी खत्म होगा, इतने सालों से आपने काम क्यों नहीं किया? देखिए जो डिले हो उसके लिए हम पहले यहाँ के आवाम से माफ़ी मांगेंगे कि ये डिले हो गया, कोविड का दौर था, कॉरपोरेशन में बहुत ऊँच नीच आई, एप्लीकेशन हम बहुत टाइम से किए बैक टू बैक, यानी हम लोग नगर सेवक लोग एप्लीकेशन करते रहे, लेकिन अभी ये कमिश्नर आए, इन्होंने हमको कोऑपरेट किया और अलहमदुल्ला ये काम हो गया। कमिश्नर के मतलब से जी, कमिश्नर के सहयोग से कितने एरिया में पानी जाएगा? ये काफ़ी हद तक का बहुत अच्छा खासा एरिया कवर करेगा माशाल्लाह। कहाँ कहाँ? ये जनता होटल से ले के पूरा KGN चौक तक का अलहमदुल्ला पानी जाएगा। ये इस तरह से यहाँ पर पानी की तकलीफें तो दूर की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी वर्ष बाद जो है यहाँ के लोगों की पानी की समस्या खत्म हो गई है। जैसे तला ने भी बोला कि पानी की समस्या थी पहले से, 5 साल 6 साल से ही है, लेकिन कोविड का टाइम था, आप लोगों को भी मालूम है, मीडिया को भी चीज़ की जानकारी, उसमें कमिश्नर आए गए बहुत से, हम लोग पेपर वर्क करते थे इसमें, अभी बच्चे लोग भी जैसे मुन्ना हुआ और अपना ये आसिफ भाई है, ऐसे 2-3 लड़के वसीम लोग,
ये लोग भी हमारे साथ जुड़े ही थे, वहाँ कॉरपोरेशन में जाते थे। और मैं सबसे पहले कमिश्नर साहब और पटनावर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने उनको बोला तो उन्होंने हमारी ये प्रस्ताव सुना और ये बूस्टर हमको करा के पास करा के दिया, मतलब जगह पे। हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सी जगह पर पानी लीकेज था, यानी कि हम कह सकते हैं कि हज़ारों लीटर पानी बह रहा है। नहीं, एक वो तो लीकेज था जो खुला है पानी, उसमें पानी ही नहीं आता था। जो लीकेज आप अभी देखे हो ना, उसमें एक कतरा पानी नहीं आता था, वैसे ही खुला रहता था। तो आज वो बूस्टर की वजह से वो पानी उधर तक जा रहा, तो ऊपर लीकेज बता रहा, तो वो लीकेज भी हम बंद करेंगे। पहले अगर पानी जब नहीं आता तो लीकेज का कोई मतलब ही नहीं था, जब लीकेज ही नहीं है तो पानी रहेगा तो लीकेज आएगा, मतलब वो बंद करवा देंगे। नगर पालिका भी हम लोग खुद अभी ये पानी का हो जाएगा सिस्टम, तो उसके अंदर सब बुश मार के हम लोग बंद कर देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा वो। बाकी जो पानी की तकलीफ थी अगर हुई लोगों को, तो उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। हम लोग लेट हुआ, लेकिन लेट हुआ और दुरुस्त हुआ काम, रमजान महीने में काम हुआ। अब हम लोग उसके लिए बहुत अपना कॉरपोरेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। रात के 4 बजे के समय जो पानी आ रहा है, बहुत से लोगों की नींद खराब हो। ये IGM की टाकी है, ये आज सालों से है, आज ये पहला नहीं, ये रात में ही चालू होता है और सुबह में बंद होता है। और वार्ड है बड़ा, एरिया पूरा सब तरफ से जाता है, तो हर तरफ पानी डिवाइड होता है। तो 3 बजे से चालू होता है, वो 7 बजे तक पानी चलता है। कितना घंटा इन्हें पानी? नहीं तो ये अभी बहुत 1.5 घंटा इनको आएगा पानी, क्यों हर तरफ पानी जाता है वहाँ से। इससे पहले 5 से 10 मिनट पानी आता था और पानी नहीं जाता था किसी, सब हैरान थे पानी भरने के लिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पानी आ रहा है।